काफी भीड़ है, देखिए कैंची धाम में आज यहाँ पर। और देखिए यहाँ से ले सकते हैं आप बाबा जी का प्रसाद, देखिए सामने कैंची धाम उत्तराखंड के जिला नैनीताल में है। और अगर आप काठगोदाम से रेलवे स्टेशन से यहाँ 40 किलोमीटर है, और पार्किंग पूरी पैक है दोस्तों, देखिए हजार के राम। भारत माता की जय, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रमेश। दोस्तों आज देखिए मैं हूँ कैंची धाम, देखिए सामने कैंची धाम, और काफ़ी भीड़ है आज कैंची धाम में। मई जून में काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर उत्तराखंड के जिला नैनीताल में कैंची धाम। और आज मैं आया हूँ यहाँ पर कैंची धाम। पहले यहाँ पर काफ़ी बड़ा जंगल था दोस्तों, देखिए, और काफ़ी भीड़ है आज, शनिवार का दिन है कैंची धाम में, देखिए। और देखिए सामने कैंची धाम, देखिए काफ़ी भीड़ है, देखिए आज शनिवार का दिन, पावन धाम कैंची धाम देव दोस्तों, उत्तराखंड के जिला नैनीताल में। यहाँ बदलती है किस्मत, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स की किस्मत यहीं बदली थी इसी धाम में, देखिए। और ये मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है, और यहाँ पर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी आए थे। ये देख सकते हैं आप, काफी भीड़ है, देखिए सीपना नदी सामने, देखिए काफी भीड़ है, देखिए कैंची धाम में आज यहाँ पर। काफी भीड़ है, देखिए कैंची धाम में आज शनिवार का दिन, देखिए क्षेत्रा नदी के तट पर बना मंदिर। यहाँ पर प्रसाद मिलता है, देखिए पूरा प्रसाद। और यहाँ पर देखिए जूता स्टैंड यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए चाय रेस्टोरेंट में चाय पानी आप ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से बाबा जी की फोटो आप ले सकते हैं, देखिए दुकान, देखिए आप यहाँ पर। सॉरी 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 यार, दोस्तों देख सकते हैं आप काफ़ी भीड़ है आज, और यही किस्मत बदली थी मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स की, और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की यही किस्मत बदली थी, देखिए। और हाल ही में यहाँ पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी आए थे, और जहाँ उनका लग अच्छा चला। और ये धाम उत्तराखंड की जिला नैनीताल में है, और नैनीताल अगर आप आ सकते हैं आएँ तो आप यहाँ भी कैंची धाम, 20 किलोमीटर कैंची धाम है नैनीताल से, और 40 किलोमीटर काठगोदाम से है। और आप बाय अगर एयर आएँ तो आपको पंथनगर उतरना पड़ेगा, और पंथनगर से आपको टैक्सी हायर करके आपको कैंची धाम यहाँ आना पड़ेगा। और दोस्तों ये है कैंची धाम, देखिए यहीं बदलती है किस्मत, कैंची धाम।
पावन धाम देखिए, उत्तराखंड के जिला नैनीताल में कैंची धाम है। देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है दोस्तों। देखिए आज कैंची धाम में देखिए और देखिए यहाँ से ले सकते हैं आप बाबा जी का प्रसाद। देखिए सामने बाबा जी का प्रसाद, और यहाँ से आप इसके फोटो भी ले सकते हैं। ये माता वैष्णो देवी का मंदिर है, और सामने बाबा महाराज वहाँ पर हैं, देखिए विराजमान वहाँ पर उनका बना हुआ है स्थान। देखिए सामने व्हाइट वाले मंदिर पर यहाँ बदलती है किस्मत दोस्तों, यही वो मंदिर है जहाँ बदलती है किस्मत। उत्तराखंड के जिला नैनीताल में देखिए यहाँ बदलती है किस्मत। देखिए लोग काफ़ी भीड़ हो रही, देखिए यहाँ काफ़ी जाम है यहाँ। देखिए गाड़ी यही है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर होटल और गेस्ट हाउस बने हैं। देखिए आप कभी आप आएँ तो यहाँ, आजकल मई जून में काफ़ी भीड़ है, ऑनलाइन होटल बुक करके आएँ। Thank you.
और दोस्तों देखिए सामने पार्किंग है और पार्किंग पूरी फुल है, कम से कम 600-700 गाड़ियां हैं यहां पर। देखिए आज शनिवार का दिन पूरी पैक है पार्किंग पूरी पैक है दोस्तों। देखिए 700-800 गाड़ियां हैं कम से कम यहां पर आज शनिवार के दिन। देखिए और काफ़ी रोड पे जाम है। आप दोस्तों कैंची धाम में भीड़, आज दिन शनिवार का है। ये देखिए काफी भक्त लोग आए हैं दोस्तों उत्तराखंड के जिला नैनीताल में है कैंची धाम। देखिए और यहाँ पर बदलती है किस्मत दोस्तों। देखिए काफी पार्किंग फुल आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये उत्तराखंड के जिला नैनीताल में अल्मोड़ा और रानीखेत हाईवे पर कैंची धाम है दोस्तों। देखिए काफी भीड़, किस्मत बदलने वाला है धाम कैंची धाम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, सभी भक्तों को जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं आज कैंची धाम में और बहुत से श्रद्धालुओं के मेरे पर कमेंट आते हैं कि कैंची धाम कहां पर है, काठगोदाम से कहां से आएंगे। और दोस्तों देखिए कैंची धाम उत्तराखंड के जिला नैनीताल में है और अगर आप काठगोदाम से रेलवे स्टेशन से यहां 40 किलोमीटर है और अगर आप नैनीताल घूमने आते हैं तो नैनीताल से दोस्तों कैंची धाम 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर के आसपास में है। और अगर आप टैक्सी का आपको कैंची धाम काठगोदाम से कैंची धाम के लिए चाहिए तो दोस्तों आजकल मई जून का सीज़न है तो आजकल रेट बढ़े हुए हैं ज़रा। और आप अगर ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रेटों पर गाड़ी मिल जाती है, सस्ते रेटों पर मिल जाती है। और बस भी आती है सुबह जो आपको काठगोदाम से कैंची धाम आपको 120 रुपये में छोड़ती है। और नैनीताल से तो आप टैक्सी हायर करके आ सकते हैं क्योंकि नैनीताल से आप अगर आप कभी बस में आएँ पहले आपको भवाली आना पड़ेगा और भवाली से फिर आपको कैंची धाम आना पड़ेगा। और कैंची धाम उत्तराखंड के जिला नैनीताल में है और रानीखेत अल्मोड़ा हाईवे पर है। और दोस्तों यहाँ कैंची धाम में काफ़ी बड़े बड़े हस्तियाँ आई हैं जो कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स। और यहाँ पर आजकल मई जून में काफ़ी होटल पैक चले हैं तो आप ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं। और अगर आप नैनीताल भी होटल बुक कर सकते हैं तो आप दर्शन करने के लिए आप
कैची धाम आ सकते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर के आसपास में कैची धाम है। और अगर आप भवाली भी रुकते हैं फिर भी आप कैची धाम आ सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम में काफ़ी जाम लग रहा है। और अगर आप टाइम से आएँ तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं कैची धाम में। और अगर आप अपनी व्हीकल से आएँ तो और भी अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अब पार्किंग की सुविधा भी हो गई। मैंने आपको दिखा दिया है, पार्किंग काफ़ी पैक है। आज शनिवार का दिन है तो काफ़ी आज रश है यहाँ पर कैंची धाम में, काफ़ी लंबी लाइनें हैं और काफ़ी होटल नहीं मिल रहे यहाँ पर, काफ़ी श्रद्धालु परेशान हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आजकल मई जून में आप होटल ऑनलाइन बुक करके आएँ और यहाँ भवाली होटल बुक कर लें। अगर कैंची धाम में नहीं मिल रहा है आपको या नैनीताल नहीं मिल रहा है तो आप भीमताल भी होटल ले सकते हैं, मुक्तेश्वर से भी आप कैंची धाम आ सकते हैं। और अगर आप हल्द्वानी काठगोदाम भी रुक जाएँ तो आप यहाँ दर्शन के लिए कैंची धाम आ सकते हैं। और अगर आप अगर आपको कैंची धाम में होटल मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आजकल होटल नहीं मिलते यहाँ पर। और ऑफ सीजन में तो यहाँ पर मिलते हैं, काफ़ी होटल खाली रहते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी भीड़ की वजह से आजकल यहाँ पर होटल नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों। और काफ़ी श्रद्धालु ने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि कैंची धाम का क्या किराया है, तो दोस्तों काठगोदाम से कैंची धाम का किराया 200 रुपये टैक्सी में है और वैसे बस से 120 रुपये है। और यहाँ पर आपको मिल जा कोई आप अगर हल्द्वानी आएँ तो भी आपको टैक्सी मिल जाएगी, बस वहीं से लगती है। और अगर काठगोदाम आएँ तो तब भी आपको वहीं से आपको बस भी और टैक्सी मिल जाती है, कोई ऐसा वो बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़, अभी मैं यहाँ पर देखिए जंगल के सिपरा नदी के पास में अभी बैठा हूँ दोस्तों, और काफ़ी यहाँ पर ठंडा है। और वैसे बाहर उधर काफ़ी गर्मी हो रही है, अभी एक दो दिन पहले बरसात हुई थी, लेकिन मौसम अभी आज तो धूप आई है। और काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है और सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड देवभूमि में वंदन अभिनंदन है दोस्तों। और यहाँ ये मंदिर काफ़ी चमत्कारी धाम है यहाँ। और आज भी दोस्तों अभी मैंने बहुत से छोटे मोटे टेली फिल्मों के जो एक्टर हैं वो यहाँ पर अभी आज भी आए हैं, और काफ़ी नेता अभिनेता यहाँ पर आते रहते हैं। और शक्ति कपूर भी यहाँ से कम्बल लेकर के उनका स्वास्थ्य सही हुआ, और उन्होंने भी एक पोस्ट की थी कि मुझे वो कम्बल वाले बाबा के नाम से भी इन्हें जानते हैं कैंची धाम। और यहाँ पर बाबा जी के काफ़ी चमत्कार हुए हैं, काफ़ी भक्तों के साथ चमत्कार किए हैं कि जिससे जो कहा उसके साथ वो हुआ। और आज भी यहाँ पर चमत्कार होता है दोस्तों, सिर्फ एक विश्वास है, और विश्वास लेके कैंची धाम आएँ, भाग्य उदय करके जा सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।